कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे ग्रेफाइड इंडिया लिमिटेड पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंट आर एस थर्टी फाइव पर इक्विटी शेयर पैंतीस रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे करेंगे अपने निवेशकों के जिन्होंने शेयर ले रखे हैं और फिर इसके रिजल्ट्स भी हम दिखाएंगे और पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है बेसिकली प्रोडक्ट्स कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं जान लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए इंट्रोडक्शन पढ़ देता हूँ मैं एक सेकंड में ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉड्स फाइंड अपलिकेशन इन मैनुफैक्चर ऑफ स्टील एंड अदर नॉन फेरोस मेटल्स थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एक ऐसा मेथड uh, है जिससे पहले बर्स्ट करके बनाते थे मेल्ट करते थे मेटल को अब जो है इसके द्वारा करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा जिससे पोल्यूशन भी कम होता है एंड द लेडल फर्नेस रूट्स इट्स यूज एज अ कंज्यूमेबल फॉर द कंडक्टिंग हाई करंट एट लो वोल्टेज विच इज़ ने फॉर मेल्टिंग एंड दोसे प्रोडक्ट्स में हम भी देख लेते हैं एक नजर मान लेती हैं स्टील नॉन फेरोस मेटल्स मेटलर्जी सोलर सेमी कंडक्टर केमिकल ग्लास क्वार्स मैकेनिकल एंड अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज बेसिकली इलेक्ट्रॉड्स एंड कार्बन के निर्माता हैं और रेफाइड इंडिया लिमिटेड पहले हम देखेंगे प्राइस क्या है तीन सौ पच्चीस रुपए तीस पैसे जिसकी लास्ट क्लोजिंग थी मई सत्रह दो हज़ार उन्नीस को आज रविवार संडे आज मार्केट बंद है और साल का इनका जो हाई था ग्यारह सौ रुपये और लो बनाया था तीन सौ आठ सौ तो हाई से अपने काफ़ी नीचे है उसको भी हम जानेंगे क्यों है देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि एक सौ तीन रुपये का प्राइस है चौबीस मई दो हज़ार सत्रह को और लगातार फिर इसके बाद उठता गया उठता गया और इसने हाई बनाया जो ग्यारह सौ रुपए का वो क्यों बनाया उसका रीज़न ये भी है कि चाइना में कुछ समय के लिए जो प्रोडक्शन था पोल्यूशन की वजह से उन्होंने शिफ्ट किया या फिर उन्होंने बंद किया कुछ दिनों के लिए जिससे अचानक जो क्रिफाइट इंडिया की थी इंडिया में जो ये कंपनी थी इसकी डिमांड बढ़ गई स्टील की जिससे इनको काफ़ी महंगे दामों में इनको बेचने का मौका मिला और इनकी सेल्स से भी बढ़ गई इस वजह से नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ गया इस वजह से उनके प्रोडक्ट्स कई गुना दामों पर जब बिकने लगे तो शेयर प्राइस भी इसका ज़बरदस्त बढ़ा कंपनी को मुनाफा हुआ और ये शेयर प्राइस यहाँ के बढ़ गए अटक गया इसके बाद से फिर डाउन साइड हुआ तो उसका भी रीज़न है कि चाइना में फिर से वो शुरू होने जा रहे हैं फैक्ट्रियाँ कंपनीज जो भी प्रोडक्शन है और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम ओवर प्रोड्यूस करेंगे तो जब ओवर प्रोड्यूस करेंगे तो जहाँ जहाँ भी ये माल बिकता है जिन जिन कंट्री में चाहे ईरान हो चाहे जहाँ हो तो उस वजह से चाहे इंडिया में भी जो न, जो मेन एंटी डंपिंग ड्यूटी थी वो भी हटने से इंडिया में भी वो माल आएगा तो इसके इससे क्या हो गया कि चाइना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा कि और सस्ते माल बेचेगा जो सस्ते माल बेचेगा तो ऑब्वियसली इनके माल में थोड़ा मार्जिन में दबाव आएगा ग्रेफाइट इंडिया के इनके बिजनेस सेल्स में दबाव आएगा इस वजह से वो न्यूज़ मात्र आने से लगातार ही गिरावट की ओर और इतने नीचे तक आके थमा है थोड़ा सा यहाँ पे। अब इसमें देख लेते हैं कि रिजल्ट्स इनके कैसे रहे मार्केट कैप जो है 6,355 की इस समय रह गई है ई है एक सौ का और पी है वन का देखिए और इंडस्ट्री पी है सिक्स की बुक वैल्यू 139 की है डिविडेंड जबरदस्त पे किया था फेस वैल्यू दो की है और डिलीवरी है ट्वेंटी परसेंट के आसपास यहाँ पे हम अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आए हैं दिसंबर 18 में जो नेट सेल्स थी इनकी अठारह करोड़ की वहीं रह गई सोलह करोड़ की जो कि 8.73 परसेंट की गिरावट है और वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो जहाँ दिसंबर 18 में थे सात करोड़ की वहीं मार्च 19 में रह गई पाँच करोड़ की छब्बीस के डाउन है और वहीं पे ओ में भी देखिए यहाँ पे 7.3% परसेंट के डाउन है क्योंकि दिसंबर 18 में 58.38 परसेंट थी और मार्च 19 में रह गए 51.03% परसेंट के आसपास <coughs> लेकिन हम देखते हैं इनके एनुअल रिजल्ट्स एनुअल पे अगर हम आते हैं तो जहाँ मार्च 18 ईयर ऑन ईयर में जहाँ नेट सेल्स थी तेरह करोड़ की वही मार्च 19 में हो गई सोलह करोड़ की जो कि 27.97 परसेंट की अपसाइड है और नेट प्रॉफिट में वहाँ जहाँ 540 करोड़ की थी मार्च 18 में वहीं मार्च 19 में पाँच करोड़ की हो गई जिसे चार दशमलव जीरो सात परसेंट के आसपास की अपसाइड है और मार्जिन में यहाँ पर देखिए मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट दबाव है थ्री के आसपास तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी ठीक आया है और नेट सेल्स भी थोड़ी सी बढ़ी लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट ऑब्वियसली सारे में डाउन साइड आई है चाहे प्रॉफिट हो चाहे मार्जिन हो चाहे नेट सेल्स हो तो इस वजह से अब आगे की रणनीति क्या होगी क्या है और ये शेयर प्राइस डाउन जाएगा इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा कि निवेशक हमें भरोसा जताए हमारे साथ जुड़े रहे इस वजह से इन्होंने अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है पैंतीस रुपये पर शेयर के हिसाब से और उम्मीद है कि लोगों को काफ़ी रास आएगा आ, क्वालिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो एक्सलेंट कम क्वालिटी कंपनी है और वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली इतना सस्ते पे नीचे आके टिका हुआ है कि एज़ पर प्राइस जो अर्निंग है उसके हिसाब से जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है तो यहाँ पे वेरी अट्रैक्टिव पे ट्रेड कर रहा है और आर इसका वन का अभी भी और आर रिटर्न ऑन इक्विटी है सिक्सटी नाइन की ज़बरदस्त अभी भी फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव हैं और रिटर्न्स में देख लेते हैं कितना रह गया रिटर्न्स की अगर हम बात करें यहाँ पे हाँ तो 10 सालों में भी छः सौ अट्ठानवे परसेंट के रिटर्न है लेकिन 5 सालों में दो सौ तिरानवे के 4 सालों में दो सौ इक्यानवे परसेंट के रिटर्न है और 3 सालों में साढ़े तीन सौ के आसपास करीब तीन सौ पैंतीस परसेंट के रिटर्न हैं दो सालों में भी बढ़िया रिटर्न अभी भी दिखा रहे हैं एक सौ बयासी परसेंट के और एक साल से लगातार इसमें गिरावट है जिन्होंने पैसे लगाए थे उनका सिक्सटी परसेंट लॉस है एक साल में टिल डेट में फिफ्टी सेवन परसेंट का लॉस है और सिक्स मंथ में भी सिक्सटी सिक्स परसेंट का लॉस है तीन महीने में भी चौबीस परसेंट वन मंथ में थर्टी वन परसेंट के वन वीक में दस ग्यारह साढ़े दस परसेंट के आसपास का लॉस है और वन डे में चार सवा चार परसेंट की रिटर्न है बढ़ाते तो ये है एग्रफाइट इंडिया के रिजल्ट आने के बाद की सिचुएशन तो और शेयर होल्डिंग पर यहाँ पर देखिए एज़ इट इज़ है प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी सिक्सटी फाइव पॉइंट टू टू परसेंट के आसपास और कोई भी शेयर अभी तक गिर हुई नहीं है म्यूचुअल फंडस की पंद्रह स्कीम से एफ आई आर्स वन थर्टी नाइन है लेकिन एफ आई आर्स ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर अपनी रिड्यूस की है वन पॉइंट टू फोर परसेंट के आस पास की और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं ट्वेल्व पॉइंट नाइन नाइन परसेंट के आस पास है और पिछले साल इन्होंने बीस uh, रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था और इस बार इन्होंने अनाउंसमेंट किया है पैंतीस रुपये पर शेयर के हिसाब से तो अब दोस्तों अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा करिए कि इस, इस में बना रहना बने रहना चाहिए अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो हो सकता है कि कंपनी में आ, आगे भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल जाए या फिर आपका पैसा रिकवर हो जाए बट अभी कहना कुछ भी उचित नहीं होगा क्योंकि डिपेंडेंट है कि एक दो और क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएँ और कैसी इसमें रणनीति बनानी है मेरा काम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना अभी इस पर अगर होल्ड हैं तो आप मैं तो यही कहूँगा कि नुकसान पे मत बेचिए अगर आप कर सकते हैं एवरेज कर सकते हैं तो कर सकते हैं या फिर अगर आपको लगता है आपको और इस पर कोई अच्छी ऐसी खबर आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल हमने रिजल्ट्स दिखा दिए हैं क्वार्टर के और एनुअल ईयर ऑन ईयर के तो आ, मैं चल आ, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो